हे गाइस, दिस इज मुकुशल मैन, आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ दिस ब्लैक ब्यूटी। तो भाई अपने सामने खड़ी है इस टाइम पे टाटा हैरियर एक्सजेड प्लस वेरिएंट अपने सामने खड़ा है गाड़ी का। भाई मैनुअल ट्रांसमिशन है, डीजल गाड़ी है पहली बता दूं तो, भाई डीजल के अंदर ही आती है वाली तो, और 4x2 ही आती है। 4x4 तो अब इलेक्ट्रिक का कह रहे हैं आएगी कॉन्सेप्ट में, बट अभी भाई आई नहीं है। अपने को झलक थोड़ी बहुत देखने को मिल गई है इलेक्ट्रिक की ऑटो एक्सपो के अंदर, बट अभी आई नहीं है, आएगी जब देखेंगे उसकी वीडियो आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी आ जाएगी। बाकी इस टाइम पे खड़ी है भाई अपने सामने डार्क एडिशन के अंदर टाटा हैरियर। तो बात कर लेते गाड़ी की तो भाई अपने कुछ इस तरीके की गाड़ी की देखने को मिल जाती है, जो कि एक रिमोट सेंस वाली की कह सकते हैं हम लोग, जो कि लेस एंट्री वाली होती है वो वाली की अपने को देखने को मिल जाती है। बात कर लेते कार के फ्रंट लुक से, तो भाई फ्रंट लुक गाड़ी को एकदम ब्लैक बीस्ट वाला देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर अपने को यहाँ पर फ्रंट में भाई टाटा का लोगो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। साथ ही ग्रिल की बात कर लेते हैं, अपने को पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर गाड़ी की ग्रिल देखने को मिल जाती है। इधर अपने को कुछ चार गोल कलर के भाई इनलेट्स कार के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ग्रिल से हटकर अगर हम साइड की बात कर लेते भाई, अपने को यहाँ पर एक DRL और हम कह सकते हैं एक भाई इंडिकेटर के लिए सिंपली अलग से दी गई है, जो कि देखो कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर अपने को टिमटिमाते हुए इंडिकेटर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बात कर लेते कार की हेडलाइट्स की, तो भाई लोग अपने को हेडलाइट्स की लुक्स कुछ इस तरीके की आने वाली है। भाई अपने को बम्पर के अंदर यही वाली गाड़ी लेके आई थी, इस वाले मॉडल की ही गाड़ी के अंदर लाइट्स आई थी, जो कि भाई कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। अपने को लो बीम के अंदर प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है हेलोजन का। साथ ही बात कर लेते अपने को हेलोजन के अंदर रिफ्लेक्टर के अंदर भाई हाई बीम इसकी देखने को मिल जाती है। तो फॉग लाइट्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके की नीचे की साइड पर करी गई है। फॉग लाइट्स के अगल बगल भाई अपने को यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश इस जगह पर देखने को मिल जाती है। तो बात कर लेते कार के बम्पर की, तो अपने को डुअल शेड के अंदर बम्पर इसमें देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर भाई अपने को यहाँ पर मैट ब्लैक विद हम कह सकते हैं बॉडी कलर के अंदर इसका बम्पर देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अपने को भाई ग्रिल के अंदर हनीकॉम डिज़ाइन कार के इनलेट के लिए दिया गया है, एयर इनलेट के लिए। तो बात कर लेते नीचे की साइड पे, तो भाई अपने को यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाती है भाई स्किड प्लेट या फिर स्कफ प्लेट हम कह सकते हैं। साइड में आ जाते हैं तो भाई लोग साइड प्रोफाइल कार कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। भाई कार के अलॉय व्हील्स देखो कितने ही प्यारे लग रहे हैं। तो ब्रिजस्टोन के टायर अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, बाकी डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसके अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात कर लेते भाई अपने को इसके अंदर देखने को मिल जाता है 235/60R18 इंच के अपने को इसके अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील्स 5 नट्स के साथ अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो बात कर लेते कार के साइड ORVMs की, तो भाई ORVMs अपने को इसके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल विद इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर भाई अपने को यहाँ पर अपने को भाई LED के अंदर टर्न इंडिकेटर्स उसके ऊपर ही माउंट देखने को मिल जाता है। बात कर लेते इसके भाई चासिस की, तो भाई अपने को वो हल्के हल्के से टिंट वाले देखने को मिलते हैं, ज़्यादा नहीं। इस तरफ लॉक करते ही गाड़ी का ये अलग कुछ सीन आने वाला है, एक बार अनलॉक करते ही अपने को कुछ इस तरीके का लुक आ जाता है भाई, तो खुल जाती है गाड़ी अपनी। तो बात कर लेते कार के अंदर भाई अपने को यहाँ पर जो रनिंग बोर्ड से हल्का सा ऊपर तक का सीन भी इसका अपने को देखने को मिल जाता है भाई मैट ब्लैक फिनिश का। क्लाइडिंग जो है गाड़ी के अंदर 360 रिवॉल्व कर रही है, अलग एक फैशन बन गया भाई हर एक गाड़ी के अंदर इस टाइम पे क्लाइडिंग व्लाइडिंग सब कुछ दी जाती है। तो बात कर लेते गाड़ी की टेल लाइट्स की, टेल लाइट से पहले आते हैं अगर हम इसके सी पिलर पे, तो सी पिलर का ग्लास अपने को सिर्फ यहाँ तक या फिर यहाँ तक देखने को नहीं मिलता, पूरा यहाँ तक अपने को इसका ग्लास देखने को मिल जाता है। इस तरफ अगर आप लोग जस्टिस कर पाएं तो यहाँ पर अपने को हैरियर भी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है भाई लोग। तो गाड़ी के अंदर भाई डार्क है तो टाटा है, तो टाटा की स्टील ही तगड़ी है। तो पीछे की साइड पे आ जाएं तो भाई लोग अपने को यहाँ पर गाड़ी के पीछे का लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है, जिसके अंदर अपने को टेल लाइट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। टेल लाइट्स की बात करते हैं, अपने को हेलोजन के अंदर इसका टर्न इंडिकेटर टेल लाइट्स के अंदर देखने को मिलता है, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सारे में अपने को भाई इसकी लाइट देखने को मिल जाती है। रिवर्स लैंप अपने को इस जगह पर कुछ छोटा देखने को मिलने वाला है। तो ये वाली जो एक भाई असेंबली सी है ना, कनेक्टेड है, इसमें कोई बीच में तो वो नहीं है लाइट वाइट, बट ये कनेक्टेड है। यहाँ पर बात करते हैं टाटा के लोगों को कुछ इस जगह पर देखने को मिल जाता है। रिवर्स कैमरा अपने को इस जगह पर कार में माउंट देखने को मिलने वाला है। हैरियर की बैजिंग अपने को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, अगर आप लोग को पास से दिखाऊं तो ये देखो भाई हैरियर की बैजिंग इस जगह पर देखने को मिल जाती है। 2 पार्किंग सेंसर कार के रियर में देखने को मिलते हैं। डिफ्यूज़र की बात कर लेते हैं, डिफ्यूज़र अपने को भाई नॉर्मल मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। भाई बात करें गाड़ी के अंदर, इस तरफ अपने को इस भाई डमी के अंदर इसका इसके अंदर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, बट इस साइड पर भाई अपने को इस साइड भी डमी है यार, दोनों साइड पर डमी में अपने को इसके भाई एग्जॉस्ट के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इस जगह पर अपने को भाई इसका रिफ्लेक्टर या फिर हम कह सकते हैं फॉग लैंप देखने को मिल जाता है रियर की। तो इस तरफ की बात करें तो भाई गाड़ी के अंदर अपने को यहाँ पर इस साइड पर इसका फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, तो फ्यूल लीड भाई पुश करके खुलने वाली है, डीजल की लीड अपने को इस जगह पर देखने को मिलने वाली है। तो बात कर लेते रूफ़ की, तो भाई रूफ़ के ऊपर अपने को शार्क फिन एंटीना कार में देखने को मिल जाता है, पूरी की पूरी पैनोरामिक सनरूफ कार के अंदर देखने को मिलती है। वो चीज़ आपको अंदर से दिखाऊंगा, वो ज़्यादा बढ़िया लगेगी। इस तरफ अपने को हैशटैग डार्क की बैजिंग इस साइड पर देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते गाड़ी के इंजन की, तो भाई लोग इंजन अपने को इसके अंदर 1956
सीसी का इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन डीजल में देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस कर देता है 168 bhp की पावर एंड 350 nm का टॉर्क। भाई कितनी ही बढ़िया पावरफुल इंजन है। बाकी आप लोग को इसके इंजन की रोर भी लास्ट में सुनाऊंगा भाई, एक बार ही लास्ट तक बने रहें वीडियो में। डोर पैनल ओपन करती कुछ इस तरीके की गाड़ी में लुक आने वाला है। सबसे पहले आप लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं, इसकी तरफ बाद में आएंगे। उससे पहले अगर बात कर लेते हैं, गाड़ी का डोर पैनल कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भाई अपने को यहाँ पर लेदर राइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है, विंडो कंट्रोल जिस जगह पर देखने को मिल जाते हैं, क्रोम के अंदर अपने को इसका डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ट्विटर ऑडियो अपग्रेड गाड़ी के अंदर हो रखा है भाई, पहले बता दूँ। इधर अपने को ट्विटर, इधर अपने को कंपोनेंट कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बोतल होल्डर विद सम डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पेस, इधर भाई देखो अम्ब्रेला वाला सीन भी देखने को मिल जाता है, अम्ब्रेला के लिए स्पेसिंग भी देखने को मिल जाती है। ORVM कंट्रोल अपने को इस जगह से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला सीन कुछ गाड़ी का आने वाला है। बात कर लेते हैं अब कार के अंदर की साइड बैठ कर। कार के अंदर बैठने से पहले भाई बात करते हैं अगर इसकी सीट्स की, तो अपने को भाई इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स इसमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी लेदर राइट के अंदर पूरा इंटीरियर हो रखा है भाई। गाड़ी के अंदर थोड़ा सा एसी चला देते हैं, गर्मी बहुत है। पहले तो कार के अंदर तो भाई बैठ जाएं, भाई पुश स्टार्ट स्टॉप आपको यहीं से दिख गया होगा। तो 7D मैट्स कार के अंदर डले हुए हैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं अगर हम लोग म्यूट, तो ये वाला कुछ सीन आने वाला भाई कार के अंदर बैठ के। स्टीयरिंग व्हील कितना ही प्यारा लग रहा है, तो ये वाला सीन कितना प्यारा लग रहा है भाई। इसके अंदर बैठ जाते भाई एसी की थोड़ी सी आवाज़ आप लोग को आने वाली है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हाँ अब होगी ना कम। भाई कार के अंदर बैठ जाए तो भाई बिल्कुल भी वाइब्रेशन डीजल इंजन की वजह से नहीं होने वाली अपने को गाड़ी में। इस साइड पर अपने को स्टीयरिंग व्हील के ऊपर इसके भाई क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इस तरफ अपने को भाई इसके वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। एयर बैग इसके अंदर भाई अपने को 6 देखने को मिल जाते हैं, जो कि एकदम पावरफुल सिक्योरिटी में अपने को गाड़ी के अंदर बैठने को सीन देखने को मिल जाता है। इधर अपने को ट्विटर की प्लेसमेंट इस वाले उस पर देखने को मिलती है, बट अभी भाई हो नहीं रखी है क्योंकि ब्रदर ने जिसकी भी गाड़ी थी ये इधर कराए हुए हैं। एसी वेंट की बात कर लेते हैं, कुछ इस तरीके के एसी वेंट्स कार में देखने को मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप कार के अंदर देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं अगर अब इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर गाड़ी में देखने को मिलने वाला है अपने को भाई। इसके अंदर देखो टैकोमीटर देखना कैसे उठेगा, अभी देख रहे हो कैसे उठ रहा है। तो ये वाला सीन अपने को देखने को मिलने वाला है। तो भाई टैकोमीटर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। मेरे पर्सनली एक दोस्त के पास गाड़ी यही है भाई, उसके पास काजीरंगा एडिशन के अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक्स आते हैं। तो अगर हम बात करें सेंटर कंसोल की, तो भाई इसके अंदर अपने को टच स्क्रीन के अंदर सेंटर कंसोल के अंदर इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ ऑक्स वगैरह सी सब कुछ देता है भाई ये, अपने एंड्रॉयड ऑटो विद एप्पल कार प्ले वगैरह सब कुछ अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। वॉइस कमांड वगैरह सब कुछ है गाड़ी के अंदर। तो बात कर लेते हैं अगर गाड़ी की, तो भाई अपने को इस तरफ इसमें एसी वेंट्स इस जगह पर देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ कुछ एसेंशियल्स के लिए बटन्स देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ अपने को इसका भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कार में देखने को मिल जाता है। वायरलेस चार्जर अपने गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं इधर अपने को सिटी ड्राइविंग मोड्स कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। 5-6 speed का मैनुअल ट्रांसमिशन विद अ रिवर्स गियर अपने को देखने को मिल जाता है भाई। ये देखो इसकी हैंड ब्रेक दिखाता हूँ, इधर से हमने पुश किया ये हो गया, एकदम जहाज वाली फीलिंग आ जाती है। जब ये गाड़ी आई थी ना, ये चीज़ इसकी चर्चा के अंदर बहुत ज़्यादा बनी थी। यहाँ पर अपने को 3 cup holder हम या फिर कह सकते हैं 1 bottle holder कार में देखने को मिल जाता है। आर्म रेस्ट अपने को इस जगह पर देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई कुछ अपने को सीन ये वाला देखने को मिलता है, जिसके अंदर 2 USB के पोर्ट्स, 1 12 volt का चार्जिंग सॉकेट, और ये भी कूल्ड है भाई। ये वाला सीन है, मतलब बात पूरी तगड़ी है। इधर की बात कर लेते, ग्लव बॉक्स अपने को इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाता है। इसके अंदर अपने को किसी भी तरीके की भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा वो है भाई ग्लव बॉक्स। इस तरफ बात करें तो ये देखो पूरा का पूरा ग्लव बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज़ के अंदर। तो बात कर लेते हैं इधर अपने को पियानो ब्लैक फिनिश की गाड़ी के अंदर कहीं भी कमी नहीं रखी गई है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके IRVM की, तो अपने को कुछ इस तरीके का इसका डे नाइट ऑटोमेटिक वाला IRVM देखने को मिल जाता है। तो भाई इस तरफ की बात करते हैं, अपने को इस तरफ वैनिटी देखने को मिल जाती है, इल्यूमिनेटेड वैनिटी अपने को इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। तो बात कर लेते हैं इस साइड की, तो भाई ये वाला सीन आपको दिखाऊंगा कार के अंदर। बट ये देखो इसको दबाते हैं तो ये देखो भाई पूरी की पूरी सनरूफ इधर से ओपन होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो इधर अपने को भाई इसकी जो ये वाली रूफ है वो देखो वो भी ऊपर उठ गई है। तो इसको कर देते अगर हम लोग बंद, ये देखो भाई पूरा का पूरा पीछे तक जाने वाली है ये चीज़ भी भाई। ये देखो भाई इसको करते हैं अगर हम लोग बंद, तो ये देखो भाई कितना ही प्यारा लुक आ रहा है गाड़ी के अंदर का। तो इस तरफ अपने को हमारी सारी बात हो चुकी है, तो आपको लेके चलता हूँ इसके रियर साइड की तरफ।
कार में से निकलने के बाद अगर हम पीछे की साइड की बात करते हैं तो भाई अपने को यहाँ पर कुछ इस तरीके का रियर का डोर पैनल आने वाला है भाई। कितना ही प्यारा और कितना ज़्यादा एसेंशियल्स के साथ अपने को डोर पैनल देखने को मिल जाता है। इस तरफ अपने को सॉफ्ट टच कार के अंदर देखने को मिलने वाली है। इधर अपने को पंचड वाला लेदर इस तरफ देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इस तरफ अपने को कुछ स्टोरेज स्पेस ऐसा वाला देखने को मिल जाता है। इधर अपने को बोतल होल्डर विद सम डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पेस। इधर स्पीकर प्लेस देखने को मिल जाता है कार का। तो बात करते हैं अब इस रियर की सीट्स की, तो भाई अपने को बकेट फिट सीट कवर्स कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दो पीछे की तरफ अपने को हेडरेस्ट कार में देखने को मिल जाते हैं। इधर अपने को बोतल होल्डर के साथ साथ कप होल्डर के साथ साथ अपने को इसका भाई आर्मरेस्ट पीछे की साइड देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं भाई ऊपर की तरफ, देखो कितना ही बढ़िया लुक आने वाला है। मतलब ऐसे लगता है भाई हम किसी अच्छे खासे मतलब 5-स्टार होटल के अंदर बैठे हों। इधर अपने को इल्यूमिनेशन LED के अंदर देखने को मिल जाती है। तो कार का जो भाई रूफ है ना वो भी पूरी की पूरी ब्लैक हो रखी है। अब आप लोग को लेकर चलते हो अगर इसकी भाई बूट साइड की तरफ, भाई इफ़ वी ओपन दिस बूट तो भाई ये देखो पहले कार ने अपने को सेंस दिया कि भाई कार की बूट ओपन हुई है। इस तरफ अपने को कुछ इस तरीके का फ्लैट बूट देखने को मिल जाता है। इधर कुछ एसेंशियल्स अपने को जैक वैक देखने को मिल जाता है। JBL का सिस्टम अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। सब वूफर है भाई इस साइड पर। तो बात कर लेते हैं इधर अपने को कुछ ऐसा स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है जो कि एकदम बढ़िया वाला है। हेडरेस्ट फ्रंट के इस जगह पर अपने को गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। अब इसको अगर हम लोग कर देते हैं बंद तो इसका भाई स्पेयर टायर दिखा दो किस जगह पर है। भाई अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्पेयर टायर की तो इस जगह पर प्लेसमेंट की गई है इसके स्पेयर टायर की। तो भाई एकदम बढ़िया आपने वो गाड़ी स्पेशियस बना के दी गई है। साथ ही बात कर लेते हैं अगर गाड़ी की हाइट की तो भाई देखो कितनी ज़्यादा गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस है। बात ही कर लेते हैं अगर इसके टायर्स वगैरह की तो अपने कम्फर्ट गाड़ी ड्राइव करते हुए काफ़ी ज़्यादा देने वाली है। तो अगर आप लोग को बताऊँ कि भाई गाड़ी कहाँ से परचेज़ करनी है तो ये वाला जो आपको प्लेट दिख रही है यही वाला अपना एड्रेस हमेशा होता है। भाई गाड़ी अगर हम फॉर सेल लेके आते तो हमेशा ये वाली गाड़ी का अपना यही एड्रेस होता है। बाकी गाड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिल जाती है। डार्क कलर है तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जल्दी जल्दी बिक जाती है। तो एक चीज़ और आप लोग को मैं स्किप कर चुका हूँ भाई, ये देखो इसमें अपने को इसमें भाई डेफ का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो डीजल इंजन है तो भाई ये BS6 वाला सीन है तो इसके अंदर अपने को डेफ का सीन भी कार के अंदर देखने को मिल जाता है। तो धन्यवाद आप लोग कार वीडियोज़ के अंदर ऐसे ही प्यार देते रहें एंड ऐसे ही कार के साथ बने रहें भाई अच्छी अच्छी गाड़ियों की वीडियोज़ देखने के लिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हैं आप इस वाली गाड़ी की वीडियो बनाएं या फिर ये। तो बाकी आप लोग बताना भाई आप लोग को वीडियो कैसी लगी। मेरे को तो गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आउटस्टैंडिंग है, कोई बात ही नहीं है गाड़ी की। बाकी मेरे को तो बहुत बढ़िया गाड़ी लगी है इस टाइम। तो भाई अपने साथ काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे मेहमान भी जुड़े हुए हैं अपने दोस्त। तो भाई अपना अपना नाम बताओ, तेरा क्या नाम है भाई? क्या है? केशव है भाई का नाम। मयंक है भाई का नाम। दीपक। मुकुल। अरे तेरा मेरा नाम सेम है यार। मुकुल है तेरा नाम? अबे यार आपका क्या नाम है?